उक्त अल्ताफ द्वारा थाने के हवालात में ही अपने हुडी के जो नाड़ा होता है उससे गले में फांसी लगा करके आत्महत्या का प्रयास किया गया। नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। कासगंज कोतवाली में जिस अल्ताफ ने सुसाइड किया है उसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है कि आखिरकार वो अपने जैकेट के हुड में लगे नाड़े से कैसे 2 फीट के नल से सुसाइड कर सकता है। लेकिन अब खबर आ रही है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है। सबसे पहले वो टॉयलेट देखिए कि क्या इससे सुसाइड संभव है। जैसा कि आपने देखा, पुलिस का कहना है कि इसी नल के ऊपरी भाग से जो उसका हुड था, जैकेट था, उसमें जो नाड़ा नुमा रस्सी थी उसको निकाला और उसी से उसने फांसी लगा ली। जिस समय पुलिस अंदर घुसी है उसकी सांसें चल रही थी, उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से उसमें गला बांधा जाना या फांसी की पुष्टि हो रही है। क्या लगता है, ऐसा हो सकता है क्या कि वो जो आपने अभी वीडियो में देखा दृश्य उसमें ये संभव है क्या कि कैसे कोई इतने, आपने उसकी हाइट भी देख ली कि इस हाइट से कोई रस्सी बांधे और फिर जो है वो लटक जाए और ऐसा संभव हो जाए। बेशक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी की पुष्टि हो गई हो लेकिन ये पता करना मुश्किल है कि उसने फांसी खुद लगाई या और किसी ने गले में फंदे डाल करके मार डाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में न्यायिक जाँच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, यकीन तो नहीं हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के अभी जितने मामले हुए हैं वो सवालों के घेरे में हैं, इसलिए जो भी उतरे हैं वहाँ के एसपी कह रहे हैं यकीन नहीं हो रहा। अब जरा इस पे क्या कहना है जो आगरा जोन के डीजी हैं उनको भी सुन लीजिए। उक्त अल्ताफ द्वारा थाने के हवालात में ही अपने हुडी के जो नाड़ा होता है उससे गले में फांसी लगा करके आत्महत्या का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस उसको हॉस्पिटल में ले गई जहां करीब 10-15 मिनट वो जीवित रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसा कि आपने सुना, पुलिस के अपने तर्क है, वही राग है, बेशक आपको यकीन हो या ना। अब जो माँ है शबनम अल्ताफ की, रो रो करके बुरा हाल, पिता चांद मियां कह रहे हैं कि मैं समझ में नहीं आया, उन्होंने लिखवाया और मैंने दस्तखत कर दिया, अंगूठा लगा दिया, जो भी करना था मैंने कर दिया। क्या हुआ इनके साथ, वाकई में धोखा हुआ? जरा सुनिए, मुझे क्या मान, क्या लिखा हुआ है उसमें मुझसे? उन्होंने कहा अंगूठा लगा दो, मैं अपने बच्चे मरने के बाद में आदमी का दिमाग आज भी संतुलन नहीं है मेरा दिमाग। उन्होंने कहा शान कर दो। पूरी कहानी सामने है, अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ होगा। क्या पुलिस झूठ बोल रही है? क्या पुलिस अपना गला बचा रही है? गला बचा रही है, यदि ऐसा हो भी गया तो फिर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं कि वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में होता है, जिला अस्पताल में होता है, उसको मैनेज भी किया जा सकता है। बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं, इस पर नज़र है कि अभी ये मामला कितना पकड़ता है। रही न बेखबर, देखते रहिए।